सत श्री अकाल जी। इंडिया न्यूज़ पंजाब वेख रहे हो तुसी ते मैं हां मनिंदर कौर लैके हाजिर हाँ बुलेटिन। सो बुलेटिन का आगाज करांगे। गुरदासपुर दे विच शिकार चैक पोस्ट ते मुड़ ड्रोन दिखाई दिता है ते 19 मिनट तक भारत की सरहद के अंदर यह घूमता रहा ड्रोन। तो उत्थे ही BSF के जवानों के वलों ड्रोन ते फायरिंग भी की गई है ते ड्रोन ते जो फायरिंग की गई है तो वापस पाकिस्तान वाले पासे परत गया। भारत पाकिस्तान सरहद के नाल लगते थाना खेमकरण की पुलिस के वलों सरहदी पिंड कलस के विच बीती रात एक ड्रोन वलों हैरोइन के दो पैकेट इस पिंड के विच सुटे गए ने। जिसकी जानकारी मिलन से पुलिस ने यह पैकेट अपने कब्जे के विच लैके जांच शुरू कर दी है। तो जानकारी दिंदिया DSP भिखी विंड प्रीतिंदर सिंह ने दसाया कि इन दो पैकेटों के विचों उन्होंने 1 किलो 234 ग्राम हैरोइन बरामद हुई है। कल खेमकरण पुलिस ने जिहड़ी वड्डी सफलता हासिल की थी। तो एक जिहड़ी इनफॉर्मेशन ड्रोन मूवमेंट की सानू बॉर्डर तो प्राप्त हुई जिस दे तहत SHO साहब खेमकरण वालों कार्रवाई करते हुए 1 किलो 234 ग्राम के करीब जिहड़ी आ हीरोइन रिकवर हुई है जिसका वख-वख धारावां के तहत थाना खेमकरण विखे केस रजिस्टर कर लिया गया। इसकी फर्दर इनवैसटीगेशन करते हुए टैक्निकल तरीकों के नाल इनवैसटीगेशन चल रही है। तो जिहड़े जिहड़े दोषियों ने यह पाकिस्तान तो जिहड़ी खेप मंगाई है उन्होंने भी जल्द तो जल्द गिरफ्तार किया जाए। देखो इस संबंधी सानू कोल ना पहलां तो भी इनफॉर्मेशन प्राप्त सी जिस तरह तुहानू याद होगा असीं लास्ट जिहड़ी मान्योग SSP साहब ने प्रैस कॉन्फ्रेंस की जिहदे विच हरजिंदर सिंह हथौड़ी वगैरह जिहड़े आ उन्होंने अरैसट किया। इसे कंस्टिट्यूएंसी साडे कोल इसे दे मद्देनज़र रखते हुए साडे कोल जिहड़ी आ इनफॉर्मेशन डिवेलप हो रही थी जिहड़ी इह बरामदगी हुई है जिहड़े इहनू मंगाउण वाले आ उन्हां दोषियों नू भी जल्द तो जल्द असीं गिरफ़्तार करांगे। जिवें देखा जा रहा कि ड्रोन की एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा वधी हुई है उसनों लैके मतलब कि जिहड़ा वा पुलिस वल्लों की मुस्तैदी वरती जा रही है। देखो BSF ते पंजाब पुलिस के सहयोग नाल तुसी जे रात नू देखोगे तो पूरा इलाका जिहड़ा वा सील किया जाता लगभग 2 दे करीब बटालियन जिहड़ियां BSF ने एक्सट्रा जिहड़ियां ड्रोन गतिविधियां नू रोकण संबंधी लाइया। इस तों इलावा साडे कोल जिहड़ी काफ़ी मात्रा दे विच जिहड़ी कमांडो फोर्स आई है तो मान्योग SSP साहब ने जिहड़े आ सानू 7 तों 8 दे करीब जिहड़े आ मोटरसाइकिल दित्ते ने जिहड़े इलाके दे विच लगातार गश्त करदे ने ते इन्हां घटनावां नू होण तों रोकदे आ। लुधियाना दे विच STF दे वल्लों नशा तस्कर नू गिरफ्तार किया गया। दस दे कि जिम दी आड़ दे विच नशा तस्करी दा काम कर रहा सी अते 2 किलो 800 ग्राम हैरोइन बरामद की गई है ते इस दे नाल ही एक कार भी बरामद की गई है। पुलिस दे वल्लों मामला दर्ज कर लिया गया ते मामले की जाँच शुरू कर दी है। ये जसपाल सिंह उर्फ दीप नाम का लड़का है पहला कोट मंगल सिंह रहा अजक यह रह रहा न्यू अमरनगर शिमलापुरी पहला जिम ट्रेनर सी लेकिन उस तो बाद नशा कर लग पाया तो जिम का काम छुट्टन कारण फिर ये जितों नशा लेंदा सीगा फिर उहदा अगे काम इन्हें शुरू करता भी वो अगर इनू नशा बेचण दिंदा सी ते इनू पीण नू मिल जांदा सीगा हौली हौली ये काम जिहड़ा है ज़्यादा वधा के इन्हें शुरू कर लिया। कल सीक्रेट इनफॉर्मेशन के आधार पर इनू इहदी कार समेत फड़िया तो इहदे गड्डी दी जिहड़ी सीट दे थल्लों काले रंग दे जिहड़ा लैपटॉप का बैग हुंदा है उहदे विच्चों 2 किलो 800 ग्राम हैरोइन जिहड़ी बरामद हुई है। इहनू अज कोर्ट च पेश करके रिमांड लवांगे। ये कित्थों लैके आया सी ते इह लुधियाणे च जां बाहर कित्थे कित्थे सप्लाई करदा वो सारा जिहड़ा है वेरीफाई किया जाए। ये पहला एक शराब का परचा दर्ज है लेकिन हुण इहदे दसण मुताबक पिछले 1 साल तो ये हैरोइन बेचण का काम कर रहे हैं।
अमृतसर दे विच एक विहुता दे वल्लों खुदकुशी करन दा मामला सामने आया है तो उत्थे ही पेके परिवार ने सोरा परिवार ते इल्जाम लगाए ने ते पुलिस दे वल्लों सत लोगों खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। एक व्यक्ति नू पुलिस दे वल्लों काबू कर लिया गया है ते दो साल पहला विहुता दा विआह होया सी। शुरू तो ही तीन क महीने इन्होंने सही कट्टे दो तीन महीने उस तो बाद दाज की मंग कर लग पे कुड़ी नू मारना कुटना कुड़ी नू गल्लां करनियां वनसवनियां सासन नान द्योर घर वाला है फिर इनू किसी नू बुलान चला नहीं देंदे गली मिले नाल मासियां ससावां जो कि माड़ी मोटी इन्हों हर फैमिली गल हो जाती है चलो जो तो कोई गल हों मासियां ससा नाल ही आ जाती सारा टब्बर रल के मेरी कुड़ी इन्होंने 30 तरीक न पता नहीं की किया की नहीं मंग मैंने यही है कि मेरी धी नूं इंसाफ दिता जाए जिस तरह मेरी धी नाल इन्होंने किया दोषियों को सजा दवाओ उन्हां दी फैमिली दे सारे मैंबर फड़ो जिहड़े भी गए उन्होंने सजा दी। एक लड़के की शीतल लड़की है जी वाइफ ऑफ शमी कुमार वड्डा हरिपुरे रहने वाली सी शादी हुई दो साल पहला इन्हों घर के तंग परेशान करते थे जी तंग परेशान करते मतलब इन्हें इन्हों तंग हो के इन्हों के मुताबिक वो मुताबिक उन्होंने मुताबिक है भी उन्हें सुसाइड अटैम्प्ट की लमक के पर इन्हों मुताबिक उन्होंने मारा गया जी। असी उस संबंध में 304B का परचा देता जी 304B एंड 120B सत जने का परचा दर्ज करता जी जदक तो होया नहीं अज तक असी करता बाकी इनवेस्टिगेशन जिहड़ा जिहड़ा भी हैगा वा वो दस्या जाऊगा। ਤੋਰੀਆ ਨਾਸ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਭੈਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਬੜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਅੱਜ ਬੋਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਉਵੇਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਦਾਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਰੁਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੁੱਕੀ ਫਸਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ? ਸੁੱਕੀ ਫਸਲ ਇਹੀ ਹੈ ਅਪੀਲ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਆਹ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਫਸਲ ਤਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈ ਹੈ ਢੇਰੀ ਬਹੁਤ ਸੁੱਕੀ ਹੈ। ਭੈਣੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਸਾਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਪਾਰ ਵਧੀਆ ਚੱਲਣਗੇ। ਮੈਡਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਆ ਇਹਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਏਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਵਾਰ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਹਦੀ ਜੀਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਊਂਗਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ? ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਸੁੱਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਫਸਲ ਵਧੀਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਰੁੜਨਾ ਪਵੇ। ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਜਗੋ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੂੰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਗੋ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਜਗੋ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦਾ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਟਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਮੁਕਦਮੇ 'ਚ ਲਿਆ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਜੀ ਬਟਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਬਟਾਲੇ ਵਾਲੇ ਕੰਸੰਟ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਧਰੋਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਰਿਮਾਂਡ 'ਚ ਕੁਛ ਆਇਆ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਹਲਕਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਵੱਡੇ ਸਬਰਾ ਵਿਖੇ SC ਅਤੇ BC ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ
कि पिंड सभरा विखे जांच करके मनरेगा अते होर कम्मा दे विच होर कपले दा पर्दाफाश किया जाए। उधर इस संबंधी मनरेगा दे सैकटरी नवदीप सिंह दा कहना है कि उसनू इत्थे आए हुए हाले 2 तो 3 महीने हुए ने, इस मामले संबंधी उसकी कोई भी जिम्मेवारी नहीं बनती, तो उस तो पहला जो सैकटरी से उसके वलों ही यह सब किया गया। आपा विशेष इकट्ठे भी सानू आ प्लाट मिले आ दित्तियां सानू रसीदा 5 साल हो गए रसीदा दित्तियां अं तो पेटियां 14 सामने तो सानू आ प्लाट नहीं मिले, अं प्लाट लैने चाहते हैं। जेडे लीडर ने जाने वह लीडर के सब जवाब दें भाई अजे तक ताडा कम नहीं बनना, अजे ताडा ना नहीं आना, अजे तुम प्लाट नहीं मिलने, तो मिलने कदों अं तो पेटियां रखे होंगे सब। अज जी 2-3 विषय से 5 मरले प्लाट नरेगा का ते पैली दे मुद्दे विच बिल्कुल मंग है जी सरकार नू, जिवें 5 मरले प्लाटां दी खोजी साहब ने गल की सी कि इन्हां नू अपने गरीब परिवारां नू मुहैया कराने चाहिए आ, 5-5 मरलियां दे विच 3-3 घर रह रहे हैं तो बहुत औखा है, तो इन्हां नू प्लाट देने चाहिए जी। नरेगा का जिवें कि तनाटां दे कार्ड बने हुए ने, उन्हां दे अकाउंट च पैसे जाते हैं, गरीबां ने कम भी 3-3 महीने किया हो पर उन्हां नू कोई पैसा नहीं मिलता। इस विषय से सरकार नू इनकवायरी करनी चाहिए है, सरकार तो यही मांग करते हैं कि प्लाटा के मसले नरेगा के मसले ध्यान में लिया जाए तो ये मुहैया कराए जाए। उन्होंने कहता है कि हाड़े वालों कंप्लीट आ काम, तो जोड़े आम आदमी के वर्कर ने लीडर ने वो अज तुम बहा सकते। उ बठिंडा दे विच गुंडागर्दी दा नंगा नाच देखण नूं मिलिया। दस दिए कि बठिंडा दे अजीत रोड दा एक मामला है जिथे 2 दर्जन तो वध नौजवानां दे वल्लों एक नौजवान ते हमला किया गया, ते नौजवान दा हमले दे विच हथ भी कट्टिया गया, ते नौजवान गंभीर जख्मी दस्सिया जा रहा है। फिलहाल पुलिस दे वल्लों मामले की जांच की जा रही है। सर मेरा नाम सतनाम है, साढ़े दफ्तर कॉल आई सी 98724607 साढ़े प्रधान सोनूमे श्री नू भी अजीत रोड 5 नंबर गली दे विच कोई लड़ाई होई जांदी है, बहुत ज़्यादा लड़ाई होई जा रही थी। असी मौके ते एंबूलेंस लेके पहुँचे तो एक मुंडे की जिहड़ी बाह इत्थों जमा ही कट्टी गई, उन्हूं असी सिविल हस्पताल लिआंदा इलाज लई। नहीं सर मेरे नाल तां केरा 5 जणे ही आए आई ये मुंडे नू लैके, बाकी वाहवा जने से दसन के आ रहे 20-25 जने मुंडिया की लड़ाई हुई है। हाँ एंबूलेंस चो बाहर ले गए थे मुंडे नू, मैं बिच पेशेंट पा लिया सीगा जिहदी बाह वड्डी आ उहदे विचो फिर बाहर ले गए। तुहानू पता ही है वी जिहड़ा अजीत रोड आ उत्थे ज़्यादातर पीजी ने ते ज़्यादातर उत्थे इंस्टीट्यूट चलते ने जिहड़े कि बच्चे दूरों दूरों पंजाब लैवल के बच्चे जिहड़े उत्थे आ के पढ़ते ने। ये जो अज झगड़ा होया वो फोन से सानू पता लग्या सीगा, तो मेरा जिहड़ा SHO शिवरलैंड उत्थे मौके पर गया सीगा, जो हुण एट प्रेजेंट भी वो जिहड़ा SHO शिवरलैंड आ उह सिविल होस्पिटल गया, वो देख रहे सी की मैटर है, उहदे अकॉर्डिंग जो लॉ दे अकॉर्डिंग बनदी कार्रवाई करांगे। थाना खालड़ा ते चौंकी राजू के पुलिस दे वल्लों 2 दोषियों नूं गिरफ्तार किया गया, तो उन्होंने कोलों 265 ग्राम हैरोइन अते 1 मोटरसाइकिल अते 37,000 ML दे करीब नजायज शराब बरामद की गई है। इस संबंधी एक होर केस विच तरसेम सिंह वासी खालड़ा जो कि नजायज शराब वेचण दा आदि है, उस नूं भी पुलिस ने उसके घर दे विच जाके छापेमारी की, जिस ते मामला दर्ज करके दोषी दे घर 37,500 MP नजायज शराब बरामद की गई है, जबकि मुलजम तरसेम सिंह मौके तो फरार दसिया जा रहा है। इन्होंने दोषियों पासों ना मेरे साढ़े पुलिस पार्टी ने JSI करमजीत ने समेत चौकी चार चुके ने दौरान गश्त इन्होंने मोटरसाइकिल पर फायर किया, इन्होंने पासों 265 ग्राम अज की डेट से होया दर्ज। कि धारा लाई गई? धारा 21C नंबर 3 एक दिन का नॉर्ड मिलया वा मार्जिन का लिता वा थाने पुष्टि करके जो हो दोषी होने उन्होंने नामजद वो बारे वेरीफाई किया जा रहा है। जिला तरन तारण के पंजाब नैशनल बैंक फतेहाबाद बैंक के काउंटर से कैशियर गाहकों दीआं पेमेंटां दीआं अदायगियां कर रहा सी, तो इस दौरान बैंक के मैनेजर ने कैशियर नूं किसी काम के लिए कैबिन दे विच सद्या अते इस मौके का फायदा उठाते हुए लुटेरे ने कैश काउंटर के सामने दराज के
60,000 रुपए लुट के फरार हो गया। इस मौके पर गाहक ने उसके एक शक्की साथी भी काबू कर लिया और पुलिस उसको गिरफ्तार करके अपने नाल ले गई है। नॉर्मल कोर्स में लोग निकल रहे हैं, आ रहे थे ना, तो नॉर्मल कोर्स में वो भी निकल गया। वो तो पीछे लोगों ने बोला कि यार वो पैसे लेके बंदे उधर को दौड़ गए बाहर को। आप 60,000 रुपए जो गली जो लेके भज गए। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਲੋਕਲ ਦੋ ਬੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਬਲਿਕ ਅੰਦਰ ਆਈ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਰਸ਼ ਸੀ, ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਗਏ ਆ ਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭੀੜ ਸੀ ਕਾਫੀ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਖੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਕਾਊਂਟਰ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖੜੇ ਆ ਕਸਟਮਰ ਲੈਣਾ ਬੰਨ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸਟਾਫ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭੱਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜੀ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ SI ਬਤੌਰ PCR ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ 2 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੱਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ 2 ਲੜਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਆ 60,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਲੈ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਉਹਦੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੌਂਕੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਾਲੂ ਸਨ ਆਫ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ MP ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਦਾ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ BSF ਦੀ ਬਾਈਕ ਰੈਲੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਰੈਲੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਅਤੇ BSF ਸੈਕਟਰ 182 ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੈਲੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ BSF ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 182 ਕੇ ਤਰਫ ਸੇ ਅਵਧੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਟਵਾਈਸੀ, जवाज टीम जो हमारी BSF की है, 2 अक्टूबर जो अटारी बॉर्डर से स्टार्ट किया है जर्नी और केवड़िया में 11 तारीख को पहुंचेंगे वहां पे। मैं उनका जलालाबाद लोकेशन में कमांडेंट 182 के तरफ से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं, और साथ में जो इनका मोटिव लेके चले हैं सारे रास्ते में BSF के बारे में लोगों को जागरूक करना, यहाँ के जो पंजाब के नवयुवक हैं उनको नशा मुक्ति और BSF के बारे में उनको जानकारी देना, BSF में कैसे भर्ती होता है उसके बारे में जानकारी देना। उन्होंने अटारी से शुरू किया है और सभी जगह रुकते हुए ये सारे मैसेज देते हुए केवड़िया जाएंगे। जी, मैं इंस्पेक्टर हिमांशु सिरोही, सीमा भवानी मोटरसाइकिल टीम की टीम कैप्टन हूँ। हमारी टीम पूरी वुमेन की टीम है। आपने इस टीम को राजपथ पर भी देखा होगा, इस वर्ष हमने राजपथ पर भी परफॉर्म किया है। ये जो रैली हम कर रहे हैं ये 2 अक्टूबर से, जैसा कि सर ने बताया, 2 अक्टूबर से शुरू हुई है, 11 अक्टूबर को ये रैली ख़त्म होगी। 2160 किलोमीटर की ये रैली है। इसके दौरान हम दो चीज़ें, एक पेट्रियटिज्म और एक फ्रेटर्निटी, यानी कि देश भावना और भाईचारा, इनकी भावनाओं को हम देशवासियों के बीच जगाना चाहेंगे। इस रैली का यही उद्देश्य है। और युवाओं को, महिलाओं को और पुरुषों को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या है, वो किस तरीके से फंक्शन करती है, इसके बारे में इस रैली के द्वारा बताया जाएगा। हम बीच में कई सारे स्कूल के बच्चों से मिलते हैं, NCC कैडेट से भी मिलते हैं, उनको आकर्षित करते हैं कि वो यूनिफॉर्म की तरफ बढ़ें और आकर्षित हों और इसको पहने और देश को गौरवान्वित। जी, मैं इंस्पेक्टर अवधेश कुमार सिंह, BSF की टीम जानबाज का टीम कैप्टन। पहले तो पूरे देश से मैं जय हिंद बोलना चाहता हूँ और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 2 अक्टूबर को गांधी जी को हम लोगों ने पुष्प अर्पित करके और ये रैली शुरू की है, जो अटारी से चल करके और केवड़िया गुजरात तक जानी है। इस रैली का मेन मोटिव है देश के नागरिकों के बीच देश प्रेम की भावना को जागृत करना, युवाओं के बीच नशा मुक्त भारत का उद्भव कराना और ज्यादा से ज्यादा BSF के तरफ आकर्षित करना।
देश के वख वखरे हिस्सों के कलाकारों वलों बनाईया कलाकृतियां ते वख वख सूबियां दे लोक कलावां ते रवायती खाने बारे संगरूर दे लोकां नूं जागरूक करन दे मकसद नाल स्थानक रणबीर कॉलेज विखे 8 अक्टूबर तो 17 अक्टूबर तक करवाए जा रहे खेतरी सरस मेले दे विच रोजाना शाम समय पंजाब दे नामवर गायक अपनी कला दे नाल सरोतियां नूं खिलणगे। इस संबंधी जानकारी दिंदिया डिप्टी कमिश्नर संगरूर ने दस्या कि दूर दराडे आउण वाले कलाकारां दीआं कलाकृतियां वेखण ते खरीदण वाले लोकां दी गिणती दे विच होर वाधा करन दे मकसद दे नाल जिला प्रशासन दे वल्लों खेतरी सरस मेले दे हर शाम नूं मशहूर पंजाबी गायकां दे प्रोग्राम करवाउण दा फैसला लिया गया। ज़िला संगरूर दे विच 8 तारीक तो लैके 17 अक्टूबर तक सरस मेला आयोजित किया जा रहा है। ये ट्रेडिशनल आर्टीक्राफ्ट्स हैंडीक्राफ्ट के आइटम पूरे इंडिया तो वख-वख राज्यों तो वख-वख थावां तो इत्थे आके शोकेस करे जाएंगे, जिहदे विच कपड़े फर्नीचर डेकोरेटिव आइटम्स वह भी होणगे। इस तो अलावा बच्चों वास्ते झूलियां का प्रबंध किया गया है कि वो इत्थे आके फैमिली जो नाल आंदी है वो इत्थे इंजॉय कर सकन। इस तो अलावा फूड स्टॉल्स लाई गई है जिथे वख-वख राज्यों के जो ट्रेडिशनल खाण पीण की वस्तुआं है भी इतने लगाई जा रही है। इस तो अलावा स्टार नाइट्स है, हर दिन एक स्टार नाइट होगी जिथे फैमिलीज़ आके अपना इंजॉयमेंट कर सकन। तो मेरी बेनती है सारियों कि सारे सारे इतने आन ते वध तो वध नंबर दे विच आके इस मेले नूं सफल बनाइए। टाइमिंग जिहड़ी हैगी आपां इस वेले एज ऑफ नाउ वी हैव डिसाइडेड कि 7 to 9 बजे तक स्टार नाइट टाइमिंग, उस तो पहले जिहड़े कल्चरल प्रोग्राम्स है कुछ और रखे जाएंगे, प्लस यूथ वास्ते जिहड़ा है कुछ ईवेंट्स असीं प्लैन कर रहे हैं जिवें कि मिस्टर संगरूर टाइप हर दिन का या फिर इस तरह के कुछ कॉम्पीटिशन लोकली कि जिहड़ा भी उन्हें जितूगा छोटे मोटे कॉम्पिटिशन ते यूथ वध तो वध आण ते उन्हां गिफ्ट हैंपर्स दित्ते जाणगे। स्टेट लेवल दा जो मेला हैगा असली रीज़न है जिहड़े अपने आर्टिजनस ने आर्टीफैक्ट्स ने ये पूरे इंडिया के वख-वख सैल्फ हेल्प ग्रुप्स वख-वख अपने हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट वालों प्रमोटेड ने, वो इत्थे आके अपनी चीज़ इत्थे शोकेस कर सकते हैं जिहड़े अर्स्ट वाइल अदरवाइज वो इतने नहीं आ सकते। तो सानू भी जिहड़ा हैगा एक एक्सपोजर मिलता है कि जिहड़े इंडिया दे विच भारत दे विच इन्नी तरह की जिहड़ी हैगी हैंडीक्राफ्ट्स हुंदे इन्नी तरह के फूड आइटम्स हुंदे जिस करके असीं उन्हां दे वी जाणदे। फिलहाल के लिए इन्ना ही, तो मैं मनिंदर कौर नूं इजाजत, बने रहो इंडिया न्यूज़ पंजाब के नाल। सत श्री अकाल, धन्यवाद।